गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 183। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मींस, वेयर डू दे गो देम? The body is very large when compared to the microbes, so there are the many possible places, organ or tissue, where they could go. Do all the microbes go to the same tissue or organ, or do they go to the different one? Different species of the microbes seem to be have involved to whom and different parts of the body. In fact, the selection is connected to their point of entry. If they enter from the air via the nose, they are likely to go to the lungs. This is seen in the bacteria causing tuberculosis. If they are entered through the mouth, they can stay in the gut lining like typhoid causing bacteria, or they can go to the liver like the virus that cause jaundice. अब देखिए, तो वायरस भी इंटर करने की अलग अलग जगह है, तो कैसे जैसे इंटर किया, माइक्रोब भी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के माइक्रोब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्प्रेड होते हैं। जैसे अगर हमारा एयर के थ्रू करा, तो एयर से कैसे जाएगा हमारी बॉडी में, नोज से, नोज के थ्रू हमने एयर इनहेल कर ली तो हमको हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया जैसे, और वो इफेक्ट किसको करेगा, लंग्स को। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ये लंग्स को इफेक्ट करता है नोज के थ्रू, एयर के थ्रू नोज हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर से नोज में और नोज से हमारे अंदर आ जाता है। सेकेंड आया माउथ, माउथ से आएगा तो किसको, क्या किसको इफेक्ट करेगा, हमारी गट को, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को करता है और ये माउथ से आता है, इंटर करता है, माउथ से इंटर करता है हमारा टाइफाइड का बैक्टीरिया। इसके अलावा जॉन्डिस का जो होता है वायरस, वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। तो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। But this needn't always be ease. An infection like HIV that comes to the body via the sexual organ will spread to lymph nodes all over the body. Malaria causing microorganism entering through a mosquito bite will go to the liver and then the red blood cells. The virus causing Japanese encephalitis or brain fever will similarly enter through a mosquito bite, but it goes on to infect the brain. अब देखिए, हमारा एच आई वी वायरस अगर इन्फेक्ट करता है हमारी बॉडी में, किसी भी तरह से आ जाता है, तो वो क्या करता है, सीधे सीधे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन से या ब्लड के थ्रू या मदर टू फीटस आता है और ये हमारे लिम्फ नोड्स को में स्प्रेड हो जाता है। लिम्फ नोड हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो लिम्फ नोड में स्प्रेड हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। सेकेंड थिंग्स मलेरिया का, जो मलेरिया का वायरस होता है मॉस्किटो के थ्रू हमारी बॉडी में आ जाता है और हमारे लीवर को इन्फेक्ट कर देता है। कैसे, पहले लीवर से कहाँ जाएगा, ब्लड सेल में, और ब्लड सेल से पूरी बॉडी में फैल जाएगा और हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ये वायरस से होता है और ये ब्रेन फीवर का वायरस है, ये होता तो मॉस्किटो के ही बाइट से पर ये सीधे ब्रेन को इफेक्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिजीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को इफेक्ट करती हैं। द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज विल थस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। इफ द लंग्स आर द टारगेट देन सिम्टम्स विल बी कफ एंड ब्रीथनेस। इफ द लीवर इज टारगेट देयर विल बी जॉन्डिस। इफ द ब्रेन इज द टारगेट वी विल ऑब्जर्व हेडेक, वॉमिटिंग, फिट कॉन्सिक्वेंसेस। We can imagine that the symptoms and the sign of the infection will have been known that what the target tissue or organ is and the function that are carried out by this tissue or organ. अब sign and symptoms दिखते हैं हमें disease के, वो depend करते हैं कि उस disease causing virus, bacteria, fungi ने कौन सा organ target किया है, मतलब उसने किस organ को infect किया है। वो जिस organ को infect करेगा तो हमको उसी organ में sign and symptoms दिखेंगे। जैसे अगर लंग्स को उसने इन्फेक्ट किया है तो कफ एंड ब्रीथनेस होगी, लीवर को टारगेट किया है तो जॉन्डिस हो जाएगा, ब्रेन को टारगेट किया है तो हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, वॉमिटिंग, फिट हमको अच्छा नहीं लगेगा, अनकॉन्सियसनेस लगेगी। एंड अगर हमारे बॉडी में साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं।
In addition to these specific effect of the infectious disease, there will be other common effect too. Most of them common effect depend on the fact that the body immune system is achieving response to infection. An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off the disease causing microorganism. This equipment process is called inflammation. As a part of this process, there are local effects such as swelling and the pain, and general effects such as fever. देखिए किसी भी कुछ तो ये तो different different disease के different different symptoms हो गए, पर कुछ क्या होता है, कुछ common symptoms आते हैं, कुछ common effect आते हैं. जैसे फीवर, फीवर एक हमारा कॉमन जनरल इफेक्ट है जो मोस्टली आता है डिजीज में, पर कुछ लोकल इफेक्ट हो गए जैसे स्वेलिंग एंड पेन. स्वेलिंग मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उस जगह इन्फ्लेमेशन होता है. इन सम केस द टिश्यू स्पेसिफाई ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल इन एच आई वी इन्फेक्शन द वायरस कोज टू द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट्स फंक्शन. दिस मैनी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एच आई वी एड्स are because the body and the no longer fight of the many minor infection that we face everybody instant. Every small cold can become pneumonia. Similarly, a minor gut infection produces major diarrhea with blood loss. Ultimately, it's these other infection that kill people suffering from HIV AIDS. अब देखिए ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है. किसी को कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है. मैंने आपको इससे पहले इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में सेवन देव सब ने बताया. एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज, अगर आप डिजीज से कैसे फाइट करते हैं उसकी एबिलिटी इम्यूनिटी कहलाती है. किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी इफेक्ट नहीं होता. अब जैसे हमारा एच आई वी है, एच आई वी इन्फेक्शन किसी को हुआ तो वो क्या करेगा, बहुत सारी चीज़ें कर देगा बॉडी में. जैसे उसका इम्यून सिस्टम ही खराब हो जाता है. अब किसी का इम्यून सिस्टम ही खराब हो गया तो उसको कॉमन सा कोल्ड भी होगा तो वो क्या बन जाएगा, उसके लिए निमोनिया बन जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी फाइट ही नहीं कर रही है. उसको छोटा सा भी डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा तो उसको गट इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको डायरिया हो जाएगा, डायरिया भी ब्लड लॉस के साथ हो जाएगा, और उसको कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ज़्यादा डेंजरस, और ऐसे ऐसे उसकी डेथ भी हो सकती है. क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी फाइट ही नहीं कर रही है. फाइट नहीं करेगी तो वो क्या हुआ, इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द severity of the disease manifestation depend on the number of the microbes in the body. If the manifestation may be minor or unnoticed, but if the number of the same microbes large, the disease can be severe enough to be life threatening. The immune system is a major factor that determines the number of microbes surviving in the body. We shall look into this aspect a little later in the chapter. लेकिन immunity system हमारी body के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता तो बॉडी में माइक्रोब्स या बैक्टीरिया आएंगे भी, इफेक्ट भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें माइनर इफेक्ट ही पड़ेगा. नेक्स्ट आया प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट. अब ट्रीटमेंट कैसे, हमने देख लिया डिजीज क्या है, डिजीज के कॉज क्या है, डिजीज के टाइप क्या है, ठीक, डिजीज कैसे इफेक्ट करती है. अब ट्रीटमेंट क्या है, डिजीज तो बहुत पड़ी, हम उसके ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है. ट्रीटमेंट क्या होता है, बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर, इट वुड अपीयर दैट देयर आर द टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शन डिजीज. वन वुड बी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज एंड द अदर टू किल द कॉज ऑफ द डिजीज. फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट will reduce the symptom. The symptoms are usually because of the inflammation. For example, we can take medicine that bring down fever, reduce pain or lose motion. We can take bed rest so that we can conserve our energy. This will enable to have more of a valuable to focus on healing. देखिए treatment दो तरह से होता है, या तो हम microorganism को reduce कर दें, उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर दें, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दें. तो हम सिम्टम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि उसका इन्फ्लामेशन, जैसे अगर फीवर है तो उसका फीवर कम हो जाए, लूज मोशन कम हो जाए उसके, तो इन्फ्लामेशन मतलब होता है उसको कम ही हो जाए, थोड़ा सा रिक्यूटमेंट हो जाए, ठीक है. तो क्या बोलते हैं, रिक्यूटमेंट हो जाए मतलब क्योर हो जाए, वो क्या हो गया हमारा इन्फ्लामेशन. अब अभी दो प्रकार
But this kind of symptom directed treatment by itself will not make the infectious microbes go away and the disease will not cure. For what we need to able to kill off. अभी जैसे किसी को फीवर हुआ है या लूज मोशन हुआ है तो डॉक्टर ने मेडिसिन दी ताकि उसका फीवर लो हो जाए, उसका लूज मोशन कम हो जाए और उसको बेड रेस्ट दिया कि भैया एनर्जी बचाओ. उसने एनर्जी बचा ली, बेड रेस्ट लिया, अब वो क्या हो रहा है तो अब हम हीलिंग के लिए उसको तैयार करेंगे. अब उसका हील करेंगे तो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म मारेंगे. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किले, वन वी इज टू यूज मेडिसिन दैट किल माइक्रोब्स. वी हैव सीन अर्लियर दैट माइक्रोब्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फन डिफरेंट कैटेगरीज, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज पेक्युलर टू द दैट ग्रुप्स एंड नॉट शेयर विद द आइदर ग्रुप. दिस प्रोसेस मे बी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन. अब हम क्या करें, माइक्रोब्स को किल करें. माइक्रोब्स की चार कैटेगरी थी अपने देखा, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ. अब इनकी सबकी अपनी अपनी मैकेनिज्म है, सबको अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है. दीज पाथवे विल नॉट बी यूज बाई अस आइदर. फॉर एग्जाम्पल अवर सेल्स मे मेक न्यू सब्सटेंस बाई अ मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज बाई बैक्टीरिया. वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक द बैक्टीरिया सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग अवर ओन. दिस इज वॉज द अचीव बाई द एंटीबायोटिक दैट वी आर फैमिलियर विद सिमिलर. देयर आर ड्रग्स दैट किल प्रोटोजोआ सच एज मलेरिया पैरासाइट. अब हम ऐसा करें कि उसके पाथवे को वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई के पाथवे को रोके, उसको रिप्रोडक्शन करने से रोके, उसकी ग्रोथ को रोके, तो हम क्या करेंगे, उसकी सिंथेसिस पाथवे को ब्लॉक करेंगे. इसके लिए हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे. एंटीबायोटिक उसकी क्या होगी, सिंथेसिस पाथवे को रोक देगी, उसके और बनने को रोक देगी. जब हम उसका और बनना रोक देंगे तो हमारी डिजीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी क्योर होगी. तो हमारी एंटीबायोटिक क्या करेगी, उसकी सिंथेसिस को रोक के उसको किल करेगी. ऐसे जैसे हमारा मलेरिया पैरासाइट प्रोटोजोआ है तो उसको भी पहले क्या करेगी, उसकी सिंथेसिस प्रोसेस को रोक के उसको किल कर देगी. लेकिन एंटीवायरल मेडिसिन इज हार्डर देन द, लेकिन हमको ऐसी एंटीबायोटिक भी लेनी है कि जो हमें ना हार्म करे, हमें हार्म किए बिना बैक्टीरिया या वायरस या फंजाई को मार दे. बट जो एंटीवायरल मेडिसिन होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं. वायरस हैव द फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन. दे इंटर अवर सेल एंड यूज अवर मशीनरी फॉर देयर लाइफ प्रोसेस. दिस मीन द देयर आर द रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट टू एम एट डिस्पाइट दिस लिमिटेशन. वेयर देयर द नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स. फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स दैट कीप एचआईवी इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल. तो देखिए जो बैक्टीरिया वायरस होता है उसके लिए भी उसके मैकेनिज्म को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन वो थोड़ा हार्डर होता है, उसकी जो मेडिसिन होती है थोड़ी हार्ड होती हैं. तो उसकी मशीनरी को क्या, क्योंकि वो क्या करता है हमारी ही सेल्स को एज ए मशीनरी यूज कर लेता है और उसी में रिप्रोडक्शन करने लगता है, तो ये थोड़ा सा हार्ड हो जाती है. इसलिए तो हमारी कई सारी एंटीवायरल डिजीजेज बन चुकी हैं, सॉरी एंटीवायरल ड्रग्स बन चुकी हैं जो वायरसेस पे अटैक करके उनको किल करती हैं, जैसे एचआईवी के लिए भी ड्रग्स बन चुकी हैं.